दोस्तों, अपनी पुरानी वीडियोस में हमने कई बार बात की थी वन वर्ल्ड रिलीजन की, कि किस प्रकार अंतिम समय में पूरी दुनिया को इकट्ठा करने के लिए एक धर्म बनाया जाएगा। कुछ लोगों को यह बात सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगी थी, लेकिन अब जो आप देखेंगे और सुनेंगे उससे आपको इसकी वास्तविकता पर पूरा विश्वास हो जाएगा। वन वर्ल्ड रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए यूएई में इसके हेडक्वार्टर्स तैयार किए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में ही इसे स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। इसे अबू धाबी में एक आइलैंड पर बनाया जा रहा है और इसका नाम होगा अब्रामिक फैमिली हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन इस वन वर्ल्ड रिलीजन को बढ़ावा दे रहा है, इसके क्या परिणाम फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं और आखिरकार पवित्र बाइबल का इस पर क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दें कि इस हेडक्वार्टर का नाम है अब्रामिक फैमिली हाउस। यह नाम इसे दिया गया है क्योंकि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और यहूदी तीनों इस बात का क्लेम करते हैं कि वो अब्राहम के वंशज हैं। इसे मेनली सपोर्ट किया गया है पोप फ्रांसिस ने और मुस्लिम लीडर शेख अहमद ने। पोप फ्रांसिस कैथोलिक्स के पोप हैं और दुनिया के जाने माने एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो वहीं दूसरी ओर शेख अहमान भी इस्लामिक संसार के एक बड़े अगुवे हैं और दोनों ने कोलैबोरेशन में यानी कि समझौता कर इस प्रोजेक्ट को बनाने का शुरू किया है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि हमारे पूर्वज अब्राहम की हम सब संतान हैं, हालांकि हमारे बीच डिफरेंसेस हैं, लेकिन अब हम सबको एक होकर रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से अलग होकर। इसके लिए पोप फ्रांसिस ने, शेख अहमान ने एक डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिया है जो कि ग्लोबल पीस कवनेंट के लिए है, द डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस। पूरी दुनिया में इंसानों के बीच भाईचारे और शांति को बनाने के लिए इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी अब्रामिक धर्मों जैसे कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच भाईचारा बढ़ सके और शांति अमन फैल सके। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएई में अगर क्रिश्चियंस मुस्लिम्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इल्लीगल होगा। लेकिन पोप ने कहा है कि यदि क्रिश्चियंस इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहें तो वो फ्रीली ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप क्रिश्चियंस मुस्लिम्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यदि क्रिश्चियंस इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहें तो फ्रीली हो सकते हैं, ऐसा पोप का कहना है। तो मुस्लिम्स क्रिश्चियन नहीं बन सकते, लेकिन क्रिश्चियंस मुस्लिम बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर्स में तीन मेन बिल्डिंग्स होगी जो कि तीन मुख्य धर्मों को रिप्रेजेंट करेंगी। इनमें से एक बिल्डिंग मस्जिद है, एक बिल्डिंग चर्च है और एक यहूदी आराधनालय है। अगेन यहाँ पर चर्च पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि चर्च के ऊपर किसी भी प्रकार का क्रॉस का सिंबल नहीं लगाया जा सकता। और इस पर यहूदी रबी एम ब्रूस का भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि यह समस्त मनुष्य जाति के लिए जो विश्वास और इंसानियत की ताकत पर भरोसा रखते हैं उनके इकट्ठा होने का एक अच्छा मौका है। दोस्तों, इसकी शुरुआत के पीछे मेन जो शख्स हैं वो हैं पोप फ्रांसिस, क्योंकि पोप फ्रांसिस हमेशा से ही धर्मों को एक करने में लगे हुए हैं ताकि शांति कायम हो सके। देखिए, शांति कायम करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद यदि कोई क्रिश्चियन यूएई में कहता है कि यीशु ही सच्चा और इकलौता खुदा है तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो मोहम्मद की इंसल्ट कर रहा है और इसके लिए क्रिश्चियंस को 5 साल की सजा प्लस 4 करोड़ रुपए तक का यानी कि 5,45,000 अमेरिकन डॉलर्स का जुर्माना भी लग सकता है, प्लस आपको यूएई से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं कि यह मसीहों के लिए कितना चैलेंजिंग समय आने वाला है? अपने खुदा को अगर दूसरों के सामने खुदा कहेंगे तो आपको इल्लीगल माना जाएगा, 5 साल की जेल दी जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, प्लस आपको यूएई से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। यह सब कुछ न्यूज़ आर्टिकल में दिया गया है, आप खुद भी इसे स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं।
देखिए, एक तरफ पोप क्रिश्चियंस को इस्लाम में कन्वर्ट होने की आज़ादी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम सिखा रहा है कि यदि कोई इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाता है तो उन्हें मार दिया जाएगा, डेथ विल बी दी अल्टीमेट पनिशमेंट। और फिर एग्रीमेंट साइन भी किया जा रहा है शांति कायम करने के लिए। अगर सभी धर्म ऐसा करना नहीं छोड़ेंगे तो क्या खाक हमारे दुनिया में शांति डेवलप हो पाएगी? कभी नहीं। लेकिन पोप फ्रांसिस ने इसे बढ़ावा आखिरकार दे ही दिया है। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु का तो ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। अगर क्रिश्चियंस इसी बात को दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे तो वो लोग कभी मसीह को नहीं जान पाएंगे। और जो मसीह ने हमें आज्ञा दी थी कि जाओ दुनिया के लोगों को यह बताओ, उन्हें चेला बनाओ, और उस आज्ञा को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और अब यदि यूएई में ऐसा किया भी जाएगा तो इसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, 5 साल की सज़ा, लाखों करोड़ों का जुर्माना, साथ ही साथ उन्हें देश से भी निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिए कि क्रिश्चियंस को किस प्रकार हर एक एंगल से प्रेशराइज किया जा रहा है। इससे पहले भी पोप फ्रांसिस ने कई बार वन वर्ल्ड रिलीजन को बढ़ावा देते हुए कई प्रकार की वीडियोस को रिलीज किया है, आप खुद देख सकते हैं। La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. एक बार अपने एक सर्मन में पोप फ्रांसिस ने इस बात को भी कहा था कि यीशु का सलीब पर मरना खुदा का एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। जी हाँ, खुदा का बहुत ही बड़ा फेलियर था, इस प्रकार पोप फ्रांसिस ने कहा था। लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो पोप फ्रांसिस कहते हैं कि वो फेलियर था, लेकिन प्रेरित बोलुस कहते हैं कि यह परमेश्वर की सामर्थ है। और दोस्तों, जब हम बिब्लिकल प्रोफेसिस को एक के बाद एक पढ़ते हैं तो हम इस बात को क्लियरली समझते हैं कि वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये सब एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारी है। वो आएगा और सारे देशों में शांति कायम करेगा। लोग सोचेंगे कि यही वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया में शांति कायम की है, और उसको लोग मानने लगेंगे, और तब वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाएगा और मंदिर में प्रवेश के स्थान पर जहाँ पर परमेश्वर बैठते हैं वहाँ पर बैठेगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं अपनी एंड टाइम वीडियोस में, 666 की वीडियोस में और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो पुरानी वीडियोस हैं उन सब की सीरीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन्हें भी देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा डिटेल इसके बारे में पता लग सके। लेकिन फिलहाल आपका यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वन वर्ल्ड रिलीजन की तैयारी पूरी हो चुकी है, इसके हेडक्वार्टर्स भी बनाए जा रहे हैं और इनफैक्ट इसी साल खुल जाएंगे। इसलिए आप भी आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएं और अपनी पूरी तैयारी करके रखें। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।